अध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रस्ताव नियम 130 के अंतर्गत दिनांक 27/8/2024 को प्रस्तुत किया गया है, प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं को जो नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके बारे में एक सकारात्मक चर्चा यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसमें दोनों तरफ से पक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, और सुझाव के साथ साथ किस तरीके से हमें अपने प्रदेश को आने वाले समय में इस दृष्टि से, खास करके हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पूरे रूप से हिमालयन रीजन में आता है और यहाँ का जो स्ट्राटा है, न्यू फाउंड हिमालयाज है, जिस तरीके से इसमें जो नुकसान हमें बरसातों के मौसम में देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर इस सदन को गंभीरता से मंथन, विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं यहीं तक ही नहीं रुकना चाहूँगा कि चिंता ही व्यक्त नहीं करनी चाहिए, बट देयर शुड बी एन अफर्मेटिव एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड इन लाइजन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक ऐसा विषय है जो प्रदेश के भविष्य और प्रदेश के आने वाली दिशा को तय करेगा, और ये फिनोमेना जो हम देख रहे हैं, ये डिजास्टर प्रोन एरियाज जो प्रदेश के अंदर क्लाउड बर्स्ट के हम इश्यूज को देख रहे हैं, ये अब एक जगह तक सीमित नहीं है। प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो बरसातों का कहर हो रहा है, और ख़ास करके जो क्लाउड बर्स्ट स्पेसिफिक एरियाज में प्रदेश के कोने कोने के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हैवी डैमेजेस हमारी सड़कों को, कई जगहों पे बगीचों को, कई जगहों पे जो है प्राइवेट भवनों को या घरों को हो रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर से मैं इस पर ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि हमें आने वाले समय में इसमें हर तरीके से, बिकॉज दिस इशू इज नॉट ओनली कंसर्न्ड और लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज रादर अ नेशनल एंड अ ग्लोबल फिनोमेना, इसके ऊपर हर स्तर पर चर्चा हो रही है, मगर हमें प्रदेश के अंदर भी इन विषयों के ऊपर सकारात्मक चर्चा भी करनी चाहिए, और एक्सपर्ट एडवाइस जो अलग अलग इसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एडवाइस लेकर कि किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को प्रदेश के अंदर जो है यहाँ की जियोलॉजिकल परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अमेंड करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से भी इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मैं इसमें, क्योंकि सब साथियों ने इसके ऊपर अपने सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसमें खास रूप से, अभी यहाँ पे मुझे याद है जब पीछे चर्चा हो रही थी, हमारे एक विपक्ष के सदन के साथी कह रहे थे कि आपने अपनी पिछली कमियों को मद्देनजर रखते हुए क्या कार्य इस बारी प्रदेश सरकार ने किए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के साथी आज यहां पे अभी उपस्थित नहीं है, बट वी आई वांट टू अश्योर द ऑनरेबल हाउस दैट द गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर, हैज लर्नड फ्रॉम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रीवियस disaster that happened in the state last year, that is in 2023, and after that affirmative action, or rather I would say ki jo hai preventive measures were taken by the department, taki is samay hum aapada ko to control nahi kar sakte hai, magar resource mobilization samay ke upar jo hai machinery sadkon ke upar pahunche, samay ke upar sadkon ko bahal kiya jaye, उसके लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन डिपार्टमेंट की ओर से लिया है। अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, मानसून के दौरान 31/7/2024 से हुई भारी बारिश व बादल फटने के कारण प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को बहुत बुरी तरह जो है वो क्षतिग्रस्त हुई, और यात्रियों को असुविधा के लिए यातायात को, जो उनको असुविधा ना हो उसके लिए यातायात को दूसरे लिंक रोड के माध्यम से उनको भेजना शुरू किया गया। मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों के व्यापक नुकसान भी हमको इस बारी भी पहुंचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए
राहत और पुनर्निर्माण कार्यों शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में मुख्य सड़कें जो ट्रैफिक है उसको खोलने का प्रयास किया गया है। और इसी दृष्टि से जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछली बारी से लेसन्स लेते हुए हमने इस वित्तीय वर्ष में करीबन 20 करोड़ रुपए के बेली ब्रिजेस हमने प्रोक्योर किए इन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट द फोर्थ कमिंग डिजास्टर वुड बी इन द स्टेट। और उस दृष्टि से हमने 20 जो है करोड़ के ये ब्रिजेस जो है परचेज किए और 7 पुल इस आपदा के दौरान लोक निर्माण विभाग की सड़कों के 7 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए और 4 पुल जो है वो बह गए जिसमें यातायात बंद हो गई। इन छोटी सी अवधि में विभाग ने जिला कुल्लू के 3 बेली ब्रिजेस, 100 फीट के डीडी बागी पुल में, 180 फुट का टीडीआर केदस पुल में और 120 फीट का डीडीआर बायल पुल का कार्य पूर्ण किया गया और वाहनों की आवाजाही के लिए उसको जो है वो रिकॉर्ड 15 दिन के कार्यकाल में, 15 दिन के समय में इसको खोला गया, जिसके लिए 1 महीना से 1.5 महीना से 2 महीने का अंतरकाल लगता था। इसको रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो है वो शुरू करवाया है। इन 3 ब्रिजेस के निर्माण रिकॉर्ड 14-15 दिन के अंदर पूरा किया गया। सभी पुलों का निर्माण कार्य दिनांक 18/8/2024 तक जो है उसको संपन्न किया गया है। इस आपदा के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को पुनः यातायात योग्य बनाने के लिए विशेष अभियान कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इन एंटिसिपेशन मैं पीछे भी मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि हमने करीबन जो है 30 करोड़ रुपए की हमने नई मशीनरी प्रदेश के अंदर, चाहे वो जेसीबी मशीन्स है, चाहे पोकलैंड मशीन्स है, चाहे और टिपर है, उन्हें प्रदेश के अंदर प्रोक्योर किया गया और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है ताकि जब भी इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा किसी भी क्षेत्र में और पर्टिकुलरली जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, वहाँ के लिए हमने इसको ऑन प्रायोरिटी इसको डिप्लॉय किया और इसका सही इस्तेमाल अभी हमारे डिजास्टर के समय में इन इलाकों के अंदर हो रहा है। ये हमारी कहीं ना कहीं खुशकिस्मती भी है कि इस साल इस वित्तीय वर्ष में इतना नुकसान प्रदेश का नहीं हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, मगर फिर भी हमने ऑन जो है वॉर फुटिंग इस तरीके के कार्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर करवाए गए हैं। और अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 37 करोड़ रुपए जो है वो PWD को मिले हैं, जो हर डिवीजन में बराबर हमने अभी इसकी एलोकेशन जो है 2 दिन पहले हर डिवीजन के लिए करी है ताकि जितना भी R&R में नुकसान हमारे प्रदेश के अलग अलग डिविजन्स के अंदर हुआ है उसमें हम भरपाई कर सकें। एंड वी हैव टेकन दिस इशू ऑन सीरियसनेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी मैंने पहले अपने प्रश्नकाल के जिक्र के उत्तर में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जितना हमारा कल्मिनेटिव लॉस लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 4,500 crores एंड दिस टाइम वी हैव एक्सीडेड अराउंड 500 crores accumulative losses of public works department in the entire state. We have made an entire report which has been submitted to the Ministry of Road Surface and Transport and humne chahe wo CRF ke madhyam se, chahe wo Central Special Assistance ke madhyam se, har tarike se pradesh ko sahyog mangne ka prayas kiya hai. Main adhyaksh mahode is vishay mein koi rajniti nahi karna chahta hoon kyunki maine hamesha ye baat kahi hai ki jab इस तरीके की आपदा, इस तरीके के प्रदेश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वी हैव टू राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। बट आई एम सॉरी टू से दैट द ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री जयराम ठाकुर जी डज नॉट अंडरस्टैंड द बी ऑफ बाईपार्टिजन पॉलिटिक्स। ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू राइज अबव पार्टी लाइन्स एंड टू रेज द इशू ऑफ द स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टिवली। As Honorable Chief Minister had last year also called a special assembly of the Vidhan Sabha where a resolution was passed to get support of around 12,500 crores from the central government. Magar aaj tak neta pratipaksh ne ya bhajpa ke kisi saathi ne iske bare mein
जो है ना चिंता व्यक्त करी है ना इसके बारे में कोई बात करी है. कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग ऑफ रोड्स एंड मेकिंग एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है करीबन जो है 41,186 किलोमीटर का है, इसका अपग्रेडेशन, इसका मेंटेनेंस समय समय के ऊपर करना और पर्टिकुलरली इन एरियाज दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय द रेनफॉल और बाय हैवी डिजास्टर, उसको करने के लिए हमें जो है रिसोर्सेज जिस तरीके से केंद्र सरकार से मिलने चाहिए अध्यक्ष महोदय वो नहीं मिल रहे हैं. मगर फिर भी मैं आपको ये इस विषय में भी बताना चाहता हूँ कि हमें आने वाले समय में चाहे वो हमारे स्टेट रोड्स है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो फोर लेन का जो प्रदेश के अंदर कार्य चला हुआ है उसमें रीअलाइनमेंट ऑफ रोड्स करने की भी आवश्यकता है. पिछली आपदा में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो भी हिमाचल आए, उन्होंने कुल्लू मनाली का दौरा किया, पर्टिकुलरली मंडी का दौरा किया और उस समय ये चिंता व्यक्त की गई थी कि जिस तरीके से हमारे फोर लेन की कटिंग इन इलाकों के अंदर की गई है, वर्टिकल कटिंग करवाई गई है, 90 डिग्रीज के ऊपर करवाई गई है और उसमें जिस तरीके का जो उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगाए गए हैं, सब स्टैंडर्ड डंगे लगाए गए हैं, उसका भारी नुकसान कुल्लू मनाली के लोगों को, हमारे ब्यास नदी के बेसन पे जितने इलाके हैं, मंडी से लेकर पंडोब ब्रिज आपका उसमें बह गया, आपका मंडी का कुनकतर का ब्रिज उसमें बह गया, आगे हमारे जितने उसमें आईपीएच की स्कीम्स आपके ब्यास नदी के ऊपर है, आपके जितने एसटीपीस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हमारे ब्यास नदी के ऊपर है वो सारी की सारी उसमें क्षतिग्रस्त हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट का भी हुआ है. इस विषय में हमारे नेता जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो मिटिगेशन हमारा ब्यास नदी के ऊपर होना है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट करीबन 2,500 करोड़ रुपए की जो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन को और केंद्र सरकार को भेजी गई है उसके बारे में जिक्र किया है. उसके अलावा जो हमारा सुकेती खड्ड है जो मंडी को आता है आपके सुंदरनगर के इलाके से, उसमें भी भारी नुकसान हुआ है और पर्टिकुलरली जिसके बारे में अभी चंद्रशेखर जी ने भी जिक्र किया है, हमारा जो ब्यास नदी का जो आपका हमीरपुर तक जो आपका रिवर बेसन है उसमें जिस तरीके से हमारी आईपीएच की स्कीम्स का नुकसान हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. इसके लिए आने वाले समय में मिटिगेशन के माध्यम से, आने वाले समय में इसमें चैनलाइजेशन के माध्यम से इसका रेस्टोरेशन का काम होने की आवश्यकता है. बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि जिस तरीके से जो खास करके फोर लेनिंग की कटिंग हुई है, इसमें जो माननीय मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब ने भी इस विषय को कहा है कि हमें रीअलाइनमेंट्स करने की आवश्यकता है और प्रेफरेबली इन द टाइम्स टू कम टनलिंग की ओर, जिसमें कम से कम कटिंग हो, उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण टनल्स हैं. अभी हाल ही में जब हम दिल्ली गए थे, मैंने गडकरी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस विषय को उठाया था, जो हमारा भूभू ज्योत टनल है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ की इकोनॉमी को, आपके छोटा बंगाल का, आपके जोगिंदर नगर का और इंटायर कुल्लू मनाली की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है. इस टनल के निर्माण के लिए हमने प्राथमिकता पे केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि हमारा जो पठानकोट मंडी स्ट्रेच है वहाँ से आपके जोगिंदर नगर से भूभू ज्योत टनल का निर्माण कुल्लू के लग वैली क्षेत्र के लिए करवाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है और आने वाले समय में निश्चित तौर से जब ये टनल बनकर तैयार होगी, इससे हमारा जिस तरीके से नुकसान खास करके पंडोह के इलाके में हो रहा है, अभी पीछे करीबन पंडोह के अंदर आपका 60 करोड़ रुपए का डंगा लगा है, डंगा ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ 60 करोड़ रुपीज, जिसका टेंडर एनएचए द्वारा लगाया गया. I believe that it is absolute waste of public exchequer's money, जिस तरीके से ये retaining wall जगह जगह पर लगाई जा रही है. इसलिए हमको इन चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में जाने की आवश्यकता है.
जितने हम मैक्सिमम टनल्स बनाएंगे उनकी अलाइनमेंट सही होगी, आने वाले समय में ये डिजास्टर कम हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। उसी तरीके से जो दूसरा हमारा एनएच, हमारा NH 305 है आपका, ओट से लेकर लूरी तक, इसमें भी हमने प्रपोज किया है कि हम जलोरी जोत के अंदर जो है वो टनल का निर्माण करवाना चाहते हैं। ये भी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का PMC कॉन्ट्रैक्ट NH डिवीजन द्वारा, PWD द्वारा करवाया गया है। एंड इन द टाइम्स टू कम ये भी हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारी अननेसेसरी जो है कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको मिटिगेट करने के लिए और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टनल्स मैं समझता हूँ इस रीजन में, हमारा कुल्लू और मनाली के रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाले समय में साबित होगी। इसके लिए भी हम जो है वो प्राथमिकता के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चंबा चौड़ी में आने वाले समय में, चंबा चौड़ी में रेफर कर दो, चंबा चौड़ी का भी निश्चित तौर से हम उसमें ख्याल रखेंगे और इसको भी हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार से लेकर जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, मैं केवल इसको पब्लिक वर्क्स के परस्पेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ रोड नेटवर्क इन द स्टेट, बट इट इज फॉर हैविंग अल्टरनेटिव एंड अ मोर सस्टेनेबल नेटवर्क इन द स्टेट, जिससे कम से कम डैमेज हमारे एनवायरनमेंट को हो। हमें केवल विकास ही नहीं देखना है, मगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर हो, उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय कार्य करने की आवश्यकता है। बिकॉज वी ओ दिस, आई सिंसियरली बिलीव कि सरकारें आएगी सरकारें चले जाएगी, ये हमारा वी ओ दिस टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जो भी डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हो वो सस्टेनेबल हो, वो हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी, हिमाचल प्रदेश का फ्लोरा, हिमाचल प्रदेश का फौना, हिमाचल प्रदेश का हमारा एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए हो, ये मेरी सोच है, हमारी सोच है, और इसको मैं खास करके अपने डिपार्टमेंट के अंदर हम पूरी मजबूती से लागू करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बड़े विस्तार पूर्वक सकारात्मक विचार यहाँ पर दिए हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे फर्स्ट टाइम बहुत से विधायक अभी चुनकर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव इन सभी चीज़ों के ऊपर दिए हैं, खास करके जो हमारी माननीय विधायक अभी लाहौल स्पीति से अनुराधा जी जीत कर आई हैं, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक विचार इन विषयों के ऊपर दिए हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उन सबको इनकलकेट करेंगे और हम उनको, डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर होगी इसमें कोई दो राय नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आई वॉन्ट टू अश्योर द ऑनरेबल हाउस दैट द डेवलपमेंट विल बी डन इन अ सस्टेनेबल मैनर, इट विल बी डन एट अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, एंड इट विल नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मैं माननीय सदन को अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जो है वो बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले समय के लिए भी जो हमारा अभी अगला 10-15 दिन का मॉनसून सेशन पेंडिंग है, अभी जो हमारा मेट्रोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से अगले 15 दिन तक मॉनसून प्रदेश के अंदर रहेगा, उसके लिए भी द डिपार्टमेंट PWD इज़ ऑन टेंडर हुक्स, जहाँ पर भी कोई भी समस्या हमको सड़कों की बंद होने की आती है, जहाँ पर भी कोई भी बेली ब्रिजेस लगाने की बात आती है, हम पर्टिकुलरली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। एंड आई वॉन्ट टू थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो वी हैव बीन सैंक्शनड एडिशनल 20 करोड़ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बेली ब्रिजेस, इसका हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है, विच विल बी प्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली इन दी हिली एरियाज, पर्टिकुलरली इन दी ट्राइबल एरियाज, एंड वेर एवर अ डिजास्टर प्रोन एरिया वी हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ मिटिगेशन वर्क, इट विल बी डन ऑन प्रायोरिटी, एंड द पीपल ऑफ दैट एरिया विल नॉट फेस एनी इनकन्वीनियंस। ये मैं आपको पूरा जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।